हेलो फ्रेंड्स, ज़िंदगी 50-50 में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। एज़ यूजुअल आज संडे है और मैं ज़्यादातर संडे को ही व्लॉगिंग करता हूं, तो आज मैं निकला हूं अपने नए वीडियो के लिए। तो सबसे पहले मेरा जो काम है वो है कि मेरी स्कूटर का पोल्यूशन ख़त्म हो गया है और उसके लिए मैं पेट्रोल पम्प जा रहा हूँ पोल्यूशन कराने के लिए। और उसके बाद मैं जाऊँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में, जो कि है कूलर हंट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसके लिए मुझे कूलर एनी हाउ चाहिए। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो नए हैं मेरे चैनल के अंदर में, तो प्लीज़ यहाँ से जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं। बहुत देर से इंतजार करते करते लाइन लग गई। लग किसका नंबर है जी, पहले दे दो। दे दे। गाड़ी कौन सी आपकी? ये वाली है ना, दो। मतलब पूछ रहा है जिनका पहला नंबर है वो आ जाओ। नहीं, वो कह रहे हैं अभी अटक अटक के चल रहा है, सुबह से दिक्कत कर रही है, तो जो पहले है भैया पहले वो कराओ। अटक अटक के चल रहा है, बाद में देखेंगे। आपके बाद किसका नंबर है? इनके बाद आपका आपका मोबाइल नंबर बताओ। मोबाइल नंबर अंकल का पहला, उसके बाद आपका। पहले हमारा था लेकिन अभी इनका हो गया। पहले वो दो पूछ रहे थे भैया नंबर बताओ। जी जिंदगी 50-50, जिंदगी 50-50। जी कौन से घर जाके देखते हैं? हाँ, बस अभी शुरुआत करी है। देख, हर चीज़ की शुरुआत ही होती है। हाँ वो तो है जी, कोशिश जारी है अपनी, बस जो थोड़ा बहुत मिल जाए। तीन सौ की आ जाएगी, देखना भैया इसमें। यह कम की डालो हैं? 250 की डालो फिर। तो दोस्तों, एक भैया मिल गए हमारे को पेट्रोल पंप में। मैं अपना अपनी गाड़ी का पोल्यूशन करवा रहा था, तो उनको थोड़ा ब्लॉगिंग वगैरह में इंटरेस्टेड था, तो वो कहने लगे कि ठीक है आपका चैनल हम घर पे जाके देखेंगे, तो सब्सक्राइब तो कर लिया तुमने। थैंक यू वेरी मच भैया, आप जैसे सब लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर मैं ग्रो कर पाऊँगा। तो गर्मी बहुत पड़ रही है और संडे का दिन है, मैं जा रहा हूँ कूलर ख़रीदने के लिए, कूलर मार्केट। तो आज हम कूलर हंट करेंगे। कोरोना के बाद में जिस तरह सर्दियों में अच्छी खासी ठंड पड़ी, उसी तरह भाई लग रहा है कि गर्मी भी अच्छी खासी पड़ेगी। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब इस गर्मी में बहुत ध्यान से रहें, धूप में बिल्कुल भी ना घूमें और हाइड्रेट करते रहें। थोड़े थोड़े टाइम के अंदर में पानी पीते रहिएगा ताकि आपकी को बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। सदर जाना है, सदर जाना है आपको। सदर बाजार के लिए आगे से आप अपने आप सड़क जो है ना लेफ्ट राइट को घूमेगी, जीबी रोड आ जाएगा, बिल्कुल सीधा चले जाना, चौक आएगा, चौक से लेफ्ट लेना सदर बाजार। हाँ साथ चलो, मैं दिखा दूंगा। यह
यहाँ से बिल्कुल सीधा चले जाइए, जाके चौक आएगा वहाँ से लेफ्ट। ये दिल्ली का कमला मार्केट इलाका है और यहाँ पे इसको कूलर मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे हर तरह का कूलर आपको मिल जाएगा, छोटा बड़ा, डेजर्ट। ये देखिए, गर्मी का सीज़न तो है लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश हुआ नहीं है, अभी लोग निकले नहीं है मार्केटिंग करने के लिए। और कुछ टाइम के बाद में ऐसा हो जाएगा कि आप यहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी भीड़ हो जाएगी। पहले हम बाहर का मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर आएंगे। स्लिम कूलर मिल जाएगा, ये वाला इससे ज़्यादा स्लिम नहीं मिलेगा। वो सिम्फनी का आता है सर, सिम्फनी का तो ब्रांड भी मिल जाता है आपके पास? ब्रांडेड में आपको मिलेगा दरियागंज लाजपत नगर। लाजपत नगर आपके आसपास रूट लाइट सिनेमा देखा आपने? हाँ। इसके आगे कौन सा आउटलेट खुला है सुने दो, डिलाइट के आगे विजय विजय सेल्स, विजय सेल्स यहाँ पे यहाँ से जाएंगे ना यहाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ वो ठेका जो बंद हो गया, समझ गया सर। विजय सेल्स वहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये कंपटीशन मार्केट है एक्चुअली, यहाँ पर इतने महंगे कूलर चलते हैं, जो सोच कर आते हैं वो सस्ता कूलर ही सोच कर आते हैं। एक उषा का भी आउटलेट है लेकिन वो बंद होएगा, बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करेंगे SBI बैंक के जस्ट बराबर का। अच्छा। लेकिन वो बंद होगा, लेकिन वो विजय सेल्स खुला होगा। विजय सेल्स खुला होगा। ये क्या, किस रेंज में है? ये 3200 रुपये। इस पे किट फैन लगा हुआ है? हाँ सर, होता है इसमें। इसमें एग्जॉस्ट नहीं होता? एग्जॉस्ट नहीं होता, हाई स्पीड पंखा होता है 2800 RPM का, हवा इसकी यानी किसी भी एग्जॉस्ट के मुकाबले में डबल होता है। इसमें पानी का कैपेसिटी टैंक कितना है? इसका सबसे बड़ा है सर, इसमें तकरीबन 45 लीटर पानी है। 45 टैंक। और समरसेबल पंप लगा है इसमें? हाँ, पानी में डूबा वो सभी में होगा, ब्रांडेड में भी हुई है। ब्रांडेड में भी। और इसमें क्या, हनीकॉम पैड? हनी ये जो वाइट वाला रखा है, ये ब्लोअर के अंदर है सर, ये 2700 का है, 2700 रुपये। इससे पानी टैंक 15 लीटर के करीब आएगा, ये फैंसी आइटम। ये तो स्पेस ज़्यादा नहीं, ये जगह मेरे यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये कितने का है? 75 का। इसमें भी ब्लोअर लगा हुआ है और इसमें पानी कैपेसिटी? इसमें पानी तकरीबन आ जाएगा सर 35 लीटर। ये भी हनी कॉम में है? आइस चैम्बर के, आइस चैम्बर का फायदा कुछ होता नहीं है, पानी में नहीं किया। आइस का वैसे कोई फ़ायदा होता है? मुझे नहीं लगता कुछ होता है। ठंडा पानी पानी बदल जाता है सर? सर कुछ नहीं है सर, मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले डेजर्ट कूलर यूज़ करता था, ये लोहे वाला, ये वाला जितना जितनी ठंडी हवा इसमें आती है ना, इन सब में नहीं आती, लेकिन इसकी
इसमें दो ब्लोअर है, एक है क्योंकि इसका मुझे हवा थ्रो ज़्यादा लग रहा है, इसी कारण है कि इसका थोड़ा बंद हो रहा है और वो यहाँ से यहाँ तक पैदल लगा रही है। अच्छा ये ऐसा ऐसा मतलब क्या होता है कि एक ब्लोअर ऊंची का होता है, एक ऊंची का होता है, कोई इतना बड़ा ब्लोअर जितना बड़ा ब्लोअर होगा एक उतनी ज़्यादा होगा। और इसमें व्हाइट वाले में कितना है, एक ही ब्लोअर होगा इसमें शायद छोटा, वो तो अगर आपको स्पेस को फोकस करेगा तो आपके वो हाँ मुझे स्पेस नहीं आएगी। एंट्री गेट कहाँ से है? स्लिम में कूलर चाहिए था। अभी तो एसी में ठंडी हवा ही आएगी। नहीं एसी नहीं चल रहा, आप चलाएंगे नीचे कर लो, उसके बाद ये अंदर की सीनरी कर रहे हैं। इसमें वाटर कैपेसिटी और इससे कुछ ज़्यादा फिर बड़े आते हैं, 70 लीटर, 100 लीटर, 90 लीटर। ये कितने का बताया आपने? 9300 कुछ। और ये प्लास्टिक का? ये प्लास्टिक है, वैसे ही रहेगा, कलर भी खराब नहीं है कुछ नहीं। और कितने प्लास्टिक की वैसे ड्यूरेबिलिटी कितने साल कितनी रहेगी? 10 साल की छुट्टी है, कोई खराब नहीं, 4 से 5 साल तो पैर भी फेर नहीं करना पड़ेगा, बाकी वगैरह धोलो साफ करके खुला। सामने जो मिलते हैं ना प्लास्टिक वाले,
वो दो सीजन के बाद में वो पूरे ये जितने जॉइंट है ना इसके, ये सब जॉइंट खुल जाते हैं और अजीब सी हो जाती है। ये तो कलर आज भी यही है, 10 साल बाद भी यही कलर रहेगा, वो तो पीले हो जाएंगे धीरे-धीरे। हाँ, पीले हो जाते हैं। ये एबीएस प्लास्टिक है। और उस पे अगर मान लो आपने यूं मार दिया ना, हाँ, वो चटक भी जाएगा तो। हाँ हाँ हाँ, वो धीरे धीरे चटक भी जाते हैं। हाँ, मैं इसीलिए मैंने पूछा आपसे। मैं इस साल इसीलिए मैं ब्रांड में मैं जाना चाह रहा हूँ कि एक बार ब्रांड अच्छी चीज़ चली जाए। ठीक है, मैं आता हूँ कल 12 बजे आऊँगा मैं। थैंक यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कितने का है? इसमें फैन है या ब्लोअर है? मतलब 5 साल के बाद मतलब फिर ये डैमेज होना शुरू हो जाए। केयर के ऊपर जितना केयर करोगे लोग। इसमें क्या हनीकॉम है? हनीकॉम कार्ड एक ही है। पावर में सर बन जाएगा। एक सिम्फनी में भी आता है ना, थ्री साइड। थ्री साइड नहीं, दो साइड सिम्फनी में जी। वो कौन सा है? वो हमारे पास। अच्छा, अभी नहीं, क्योंकि ख़राब डेफिनेटली हो जाए, पैनल भी ख़राब होता है और ग्रिल तो सबसे पहले तो वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये रिमोट वाला है, विदाउट रिमोट है, लेकिन ये डाई का निशान है। हाँ सर, डाई का और कोई इशू नहीं, बाकी लीकेज वगैरह होती है तो कंपनी से आपको चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें आपने बताया 35 लीटर्स, अब 35 लीटर के इसमें फिलिंग कहाँ से है? अगर मैं यहाँ से नहीं डालना चाहूँ तो इसके अंदर में पंप कौन सा लगा हुआ है? सर जो आपके वो आते हैं जो पानी के अंदर इनबिल्ट हो जाते हैं, तो वही होते हैं। दिखेगा इसमें? दिख सकता है? दिखेगा नहीं है, पूरा लॉक ही है इसमें। अच्छा, अगर जैसे ये पैड चेंज करने में पूरा ये खोलना पड़ता है, ये सारा खोलना पड़ता है? ये पूरा खोलना पड़ेगा जी, ये पैनल सारा खोलना पड़ेगा। Three days later. Cooler, I get at last. Oh my god, new cooler! Yes, chalo, pakdo beta. Thank you.
और एट लास्ट कूलर आ गया। दो तीन दिन से घूमते घूमते हमने फाइनल किया, तो अब जो है हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद में अब आप सब दोस्तों से मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।